बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश YouTube चैनल। फ्रेंड्स, यूजी में एडमिशन की प्रक्रिया बिहार यूनिवर्सिटी में जोरों शोर से चल रही है। एप्लीकेशन फाइल करने की समय दी गई है 13 तारीख से 19 तारीख के बीच। कई कॉलेज ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन ले रही है, लेकिन कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर कंपटीशन होने के कारण वो कॉलेज 21 तारीख को मेरिट लिस्ट निकालेगी। एप्लीकेशन ज़्यादा आने के कारण उसके बाद 21 तारीख से उसका एडमिशन होगा। फ्रेंड्स, बिहार यूनिवर्सिटी में लगभग 61 कॉलेज है। उस 61 कॉलेज के अलावा 42 ऐसे कॉलेज हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और साथ ही मैं ये भी आपको बताऊंगा कि यदि आप एडमिशन ले रहे हैं यूजी में तो इस 42 कॉलेज में एडमिशन नहीं ले। यदि इस 42 कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो ना आपका एग्ज़ाम होगा, ना आपका रिजल्ट आएगा, ना आप आगे बढ़ पाएंगे। आपका फ्यूचर पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा, एकदम से स्थिर हो जाएगा। यही 42 कॉलेज ऐसे हैं जो सेशन 16 से 19 वाले का अभी तक के पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है इस कॉलेज का, सेशन 17 से 20 वाले के पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह मान्यता प्राप्त नहीं है, इनकी अप्रूवल बिहार यूनिवर्सिटी से नहीं मिली है। सिर्फ बातें हुई थी, ओरली बातें हुई थी कि इसकी अफिलिएशन बिहार यूनिवर्सिटी से की जाएगी, और पैसों के चक्कर में इन कॉलेज वालों ने स्टूडेंट के एडमिशन लिए थे और उनकी भविष्य बर्बाद हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप अवेयर रहें इस तरह के कॉलेज से, इस कॉलेज में आप न जाए एडमिशन लेने, नहीं तो आप भी वहीं के वहीं रह जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ वो सारी कॉलेज जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है। ये बिहार यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आदेश वैसे हैं जो आप कॉलेज यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाएं साइड में देखिए क्रमांक संख्या है, उसके बाद महाविद्यालय का नाम। तो महाविद्यालय के नाम के नीचे जितनी भी कॉलेज हैं इनकी मान्यता नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है अग्रसित करने वाले महाविद्यालय का नाम, यानी ये जो महाविद्यालय के नाम वाले जो कॉलम हैं इनमें बहुत सारे स्टूडेंट ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है लेकिन इसकी तो मान्यता है नहीं। हाई कोर्ट ने इजाज़त ही नहीं दिया है एग्ज़ाम लेने के लिए, ना रिजल्ट देने के लिए। तो स्टूडेंट के प्रेशर के कारण इस कॉलेज से, महाविद्यालय के नाम वाला कॉलम वाले कॉलेज को अग्रसित करने वाले महाविद्यालय का नाम वाले जो कॉलम में जो कॉलेज हैं उसमें ट्रैक कर करके एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन लिया जाएगा अभी तक के लिया नहीं गया है। तो फ्रेंड्स, महाविद्यालय के नाम वाला जो भी कॉलेज है उसके नीचे, उसमें आपको एडमिशन कतई नहीं लेना है। देख पा रहे हैं कॉलेज का नाम है ओरक ठाकुर डिग्री कॉलेज सांठा, मोतीपुर मुजफ्फरपुर इस्लामिया डिग्री कॉलेज मुजफ्फरपुर, धनराज भगत डिग्री कॉलेज मीनापुर मुजफ्फरपुर, एलपी शाही कॉलेज गुन्नी मुजफ्फरपुर, रीतलाल सुरदीप यादव डिग्री कॉलेज मुजफ्फरपुर, श्री राम जानकी सहजानंद सरस्वती डिग्री कॉलेज मुजफ्फरपुर, नितिश्वर सिंह डिग्री कॉलेज समस्तपुर पारू मुजफ्फरपुर। फ्रेंड्स, मैं वैसे कॉलेज का नाम पढ़ रहा हूँ जहाँ पर आपको एडमिशन यूजी में नहीं लेना है। गीता प्रसाद सिंह इवनिंग कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुजफ्फरपुर, गंगा बख्श चौखानी महावीर महिला डिग्री कॉलेज मुजफ्फरपुर, हीरा लाल राय महाविद्यालय मुजफ्फरपुर, महेश प्रसाद सिंह स्नातक महाविद्यालय जगदीश बेला मुजफ्फरपुर, प्रिया रानी डिग्री कॉलेज महाविद्यालय सीतामढ़ी। एक प्रिया रानी डिग्री कॉलेज है बैगनिया में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए डॉक्टर गणेश राय डिग्री महाविद्यालय सीतामढ़ी, डॉक्टर इंदल सिंह राम जानकी डिग्री कॉलेज परिहार सीतामढ़ी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संध्या डिग्री कॉलेज बैगनिया, रघुनाथ झा डिग्री कॉलेज सीतामढ़ी, राय वीरेंद्र सिंह महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली, लालगंज कॉलेज लालगंज वैशाली, पंडित उज्जवल कुमार मिश्रा फाउंडेशन महाविद्यालय हाजीपुर, जय मूरत राय डिग्री कॉलेज पातेपुर वैशाली, रामशरण राय कॉलेज पानापुर वैशाली, पंडित वेदानंद उमेश मिश्रा राम जानकी कॉलेज महुआ वैशाली, चौरसिया राजकिशोर महाविद्यालय हाजीपुर, डॉक्टर राम बालक राय कॉलेज हाजीपुर, वियोगलाल चौधरी डिग्री कॉलेज चंदाहा, अच्छे लाल सिंह अशरफी डिग्री कॉलेज भगवानपुर वैशाली, नीतीश कुमार स्मारक महाविद्यालय सहदेई बुजुर्ग वैशाली, राम विलास सिंह रामदयाल राय कॉलेज राघोपुर वैशाली, राम लगन राय कॉलेज राजा पाकर वैशाली, विश्वनाथ राय डिग्री कॉलेज मीरपुर पातेपुर वैशाली, मीना वस्कित राय कॉलेज यादव नगर राजा पाकर वैशाली, डॉक्टर कमल किशोर राय युगल किशोर झा महाविद्यालय हसनपुर
महनार वैशाली, महावीर उपाध्याय मेमोरियल डिग्री कॉलेज ढाका, राजा राम शाह संध्या डिग्री कॉलेज रक्सौल। फ्रेंड्स, ये वो कॉलेज है जिनके मान्यता नहीं है और इनमें बच्चे जो हैं जो एडमिशन ले चुके हैं उनको टैग किया जा रहा है। दाहिने तरफ जो कॉलेज आप देख रहे हैं इसमें टैग कर करके उनके एग्जाम लिए जाएंगे। लक्ष्मी देवी सच्चिदानंद सिंह संध्या डिग्री कॉलेज मधुबन, मोतिहारी डिग्री इवनिंग कॉलेज मोतिहारी, निर्मला देवी अजय मस्का संध्या डिग्री कॉलेज रक्सौल, रामेश्वर महावीर संध्या महिला डिग्री कॉलेज हरि सिद्धि पूर्वी चंपारण, डॉक्टर एस के यादव डिग्री कॉलेज केसरिया पूर्वी चंपारण, बाबा भागवत राय डिग्री कॉलेज नौतन पश्चिमी चंपारण, और यह है हलिवंत तिवारी महिला महाविद्यालय हरदिया नरकटियागंज, कमला प्रसाद सिंह इवनिंग कॉलेज चंद्रहट्टी मुजफ्फरपुर। तो ये 42 वैसे कॉलेज है जिनकी मान्यता पूरी तरह से राजभवन से नहीं है और बिहार यूनिवर्सिटी के अंडर ये अभी भी है, लेकिन एग्ज़ाम वहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो इस कॉलेज से आप बच करके रहें, इस कॉलेज में एडमिशन ना लें। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो भी कॉलेज होगी आप वहाँ पर एडमिशन लें, वो सभी सही है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कोशिश की आप तक पहुँचाने की, और आपने इस वीडियो के यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।